हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इन माय वे। मैं हूं आंतरिक पंडित और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तब हमें किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर जो फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो, तब हम उतनी आसानी से उस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम किसी और फंक्शन से उस फंक्शन को इस तरीके से रिप्लेस करते हैं ताकि जो नया फंक्शन हमने बनाया है उससे इंटीग्रेशन करना इजी हो। इसी प्रोसेस को हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन दैट कैंट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली कैन बी रिप्लेस्ड बाई अनदर फंक्शन। इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। तो सपोज कीजिए कोई ऐसा ही एक फंक्शन है एफ एक्स और जिसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं आई। तो हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब हमें एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी दूसरे फंक्शन से, मतलब एफ एक्स का जो वेरिएबल है एक्स उसको हमें किसी दूसरे फंक्शन से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, x को हम फाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है डी एक्स डी जेड इज इक्वल्स टू फाई डैश जेड। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि डी आई डी जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो डी आई डी जेड इज इक्वल्स टू डी आई डी एक्स इन टू डी एक्स डी जेड विच विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स एंड फाई डैश जेड। अब देखिए, x यहाँ पे है फाई जेड जो हमने पहले एज्यूम किया था, तो हम यहाँ पे एफ एक्स के रिप्लेसमेंट पे लिखेंगे एफ पाई जेड। तो डी आई डी जेड बन जाएगा एफ ऑफ पाई जेड इंटू फाई डैश जेड। इसीलिए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई जेड एंड फाई डैश जेड डी जेड। तो अब हम इस थ्योरी को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 7 और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 7 डी एक्स। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के सहारे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जो ए एक्स प्लस बी है उसको हमें किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं जेड और जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ये एज्यूम कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डी जेड डी एक्स फाइंड करना। तो डी जेड डी एक्स यहाँ पे ए होगा, इसका मतलब है डी जेड इज इक्वल्स टू ए डी एक्स और डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/a dz। मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डी एक्स मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, उसके वैल्यू को हमें फाइंड करना है, मतलब डी एक्स के वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब डी एक्स के वैल्यू हमें मिल गया और जो फंक्शन है उसको भी हम जेड एज्यूम कर लिए हैं, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 7 डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू द पावर 7 इंटू 1/a dz। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी को हमने यहाँ पे जेड एज्यूम किया है और डी एक्स का वैल्यू हमने खुद यहाँ से फाइंड किया है जो है 1/a dz। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो फॉर्मूला अप्लाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला, वो है एक्स टू द पावर एन प्लस 1/n+1। तो उसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमें फाइनली मिल जाता है 1/a z^8/8+c। अब z का वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा ax प्लस b होल टू द पावर 8 बाई 8a
प्लस सी। अब हम देख लेंगे कुछ फॉर्मूलाज जो इम्पॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ सब्सिट्यूशन में। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी और लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूला ही चलता है, आपको जब जो फॉर्मूला चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो फ्रेंड्स, ये था मेथड्स ऑफ सब्सिट्यूशन का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम इसी चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।